करीब 75 दिनों के लंबे इंतजार के बाद बीती 10 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी की नियुक्ति हो गई। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में दे दी गई और अब इन्हीं सबके बीच राजस्थान की अंदरूनी कलह एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट के एक बयान ने पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा था सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनते ही पार्टी हर तरफ से अब मजबूत होगी, वहीं सोनिया के अध्यक्ष बनते ही राजस्थान में मचे बवाल ने जोर पकड़ लिया है। बीते कल एक समारोह के दौरान सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। अशोक गहलोत का जिक्र करते हुए सचिन ने कहा, जिस तरह से एक बड़े नेता के तौर पर राजीव गांधी ने अशोक गहलोत की मांग पर जोधपुर की समस्याओं का समाधान किया, वैसे ही अशोक गहलोत को भी अपने विधायकों की बात सुननी चाहिए। उन्हें बिना डीपीआर के विधायकों के कामों की घोषणा कर देनी चाहिए। सचिन पायलट यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इसके बाद उन्होंने राजीव गांधी के मुंबई अधिवेशन में दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा, मुंबई अधिवेशन में राजीव गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी में दलाल है तो उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। राजीव गांधी ने सिस्टम को पारदर्शी बनाने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को तवज्जो देने की कोशिश हमेशा की। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन संगठन मजबूत होना चाहिए। यहां पर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को नसीहत देते हुए कहा कि इन सब बातों का ध्यान हमें राजस्थान में रखना होगा। राजस्थान में हमें पार्टी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। कार्यक्रम के दौरान शब्दों के जो बाण चलाए गए, पार्टी और यहां पर कार्यकर्ता जितने भी थे सब हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार सार्वजनिक तौर पर सख्त तरह से खरे खरे लिहाज में सचिन पायलट को अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए देखा गया। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।